आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। आज नरेला का एक मामला सामने आया जहां पति ने पत्नी की हत्या करके और फरार हो गया है। ये नरेला के जनता फ्लैट का मामला है जो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल पुलिस की पति की तलाश में पुलिस लगी हुई है। अब ये देखना होगा, पहले भी बताया गया कि पहले भी वो अपनी पत्नी को बिहार में उसका भी कत्ल करके दिल्ली में आके दूसरी शादी रचाई और फिर कत्ल करके यहाँ से भी फरार हो गया है। अब देखना होगा क्या दिल्ली पुलिस इस मुजरिम को पकड़ पाएगी या नहीं। ये एक बड़ी बात होगी कि जिस तरह की घटना को अंजाम देकर, पहले भी ऐसे ही घटना को अंजाम देकर लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ये कैसे हुआ। अब देखना होगा दिल्ली पुलिस इसे पकड़ पाती है या नहीं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के नरेला में युवती की गला दबाकर हत्या, युवती के पति फरार, नरेला थाना पुलिस जांच में जुटी। 25 साल की मुन्नी पति से तंग होकर अपने मायके गई थी, लेकिन ईद की शाम को ही पति रहमतुल्ला दोबारा अपनी पत्नी को लेने घर आया और युवती के परिजनों को आश्वासन दिया कि वह मुन्नी को ठीक रखेगा। मुन्नी पहले ही यह शिकायत कर रही थी कि उसकी कई बार गला दबाने की कोशिश इसने की है, वह इसकी गला दबाकर हत्या कर देगा। लेकिन रहमतुल्ला ने अपनी गलती मानी। युवती मुन्नी के पिता ने बेटी को पति के साथ भेज दिया। हम आपको बताते चले, मुन्नी देवी के 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 साल, 4 साल व 5 साल है। रहमतुल्ला ने तीनों बच्चों को देर शाम घर के सामने रिश्तेदार के घर भेज दिया और फिर रात में इस वारदात को अंजाम दिया। सुबह मुन्नी की डेड बॉडी मिली। मुन्नी की गर्दन को मुन्नी के ही पहने गए कपड़े से दबाकर हत्या की थी। रहमतुल्ला फिलहाल फरार है। फिलहाल नरेला थाना पुलिस ने मुन्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पति रहमतुल्ला की तलाश जारी है। अब देखना होगा कि इसको कब तक पकड़ लेगी। शादी की थी आपने अपनी बेटी की? शादी को हो गए तकरीबन, शादी से पहले हुआ था ना, 7 साल। 7 साल पहले शादी की थी। कभी झगड़ा हुआ दोनों के बीच में? हाँ, एक दो बार हुई थी, आज से 5-6 रोज पहले भी हुई थी। तो मैंने ले आया अपने पास, मेरा मैंने मेरे पास रहेगा, तुम अपना कमाओ और खाओ रहो, इसको छोड़ दो मेरे पास। नाम बताइए। मोहम्मद असलम। उम्र बताए क्या हुआ था और क्या? ये पहले तो शादी शुदा था, ये पहली बीवी को गांव में मार चुका था अपनी। कौन से गांव का रहने वाला है? बिहार का रहने वाला है। फिर उसके बाद ना घर वालों ने, हमने घर वालों को मना की शादी मत करो, फिर भी उन्होंने कर दी इसकी शादी। झगड़ा हुआ 2-3 बार यहाँ पर, तो मारपीट करता था तो यहाँ लिया। फिर इससे पहले 2-4 दिन पहले झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, गला डुला दबा रहा था, तो फिर ये आ गई घर पे। घर पे आ गई तो ईद बना रही थी, तो ईद बना रात में आया, बोला कि चल घर पे चल, समझाऊ जाके लेके चले गए। घर वालों ने समझाया, लेके चले गए। और फिर सुबह 4-5 बजे उसे मार के निकल गए। बताइए अपना नाम। सबन। सबन बताइए क्या हुआ था और कौन है जो जिनकी डेथ हुई है? जिसका दूल्हा है, पहले भी शादी कर रखा, पहली बीवी को भी मार रखा, और ये धमकी देता था। मेरी बहन नहीं रहना चाहती थी, इसको बेला फुसला के लिया है रात में, और कोई झगड़ा भी नहीं था, अंदर ही से उसने कूलर से रख रखा था, उसे मार भी दिया और पता नहीं चला। कब पता लगा आप लोगों को? सुबह पता चला, बहन गई तो बहन लोग ने अल्लाह करा, सुबह ही पता चला। तो अभी कहाँ है जो आपके उनके शोर थे? उनके शोर ही मार के भागे। क्या नाम है उनका? रहमतुल्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? वो गांव का रहने वाले। कौन सा गांव है? सुपौल पड़ता है उनका जगह। बहुत बुरी तरीके से मारा है, गर्दन में लपेट के। क्या लपेटा था गर्दन में? उसी की सलवार लपेट के पूरे मुंह पे बांध रखा था, उल्टा करके धर रखा था, पूरा मुंह नीला पड़ा हुआ।